कैमूर में भूमि विवाद में हुए किसान की गोली मारकर हत्या मामले में 6 नामजद के खिलाफ की गई प्राथमिकी दर्ज, जिसमें से 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त की गई राइफल हुआ जब्त, वहीं 20 गोली हुआ बरामद। 27 जून को सोनहन थाने के सिलौटा में हुआ था हत्या। 6 नामजद आरोपी में 1 को पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया निर्दोष। वहीं कैमूर एसपी दिल नवाज अहमद ने बताया कि 4 बीघा जमीन को लेकर पूर्व से चल रहे विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या। घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 27 तारीख को खेत जोतने के क्रम में किसान की हत्या हुई थी और जमीनी विवाद में हत्या हुई थी। दोनों जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे थे। एक पक्ष जब खेत जोत रहे थे उसी टाइम में गोलीबारी हुई और एक जो किसान थे ट्रैक्टर से जोत रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम जितेंद्र सिंह और पुतुल सिंह था। 6 व्यक्तियों की पर नामजद प्राथमिकी हुई थी। घटना के बाद जो अभियुक्त थे फरार थे, उसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। घटना का वीडियो भी वायरल था जिसमें 4 अभियुक्त वहां घटनास्थल पर देखे गए थे। एक अन्य अभियुक्त जो इसमें नामजद था लेकिन वो घटनास्थल पर नहीं था और निर्दोष था, उसको छोड़ दिया गया। इसी साल जनवरी फर्स्ट को पाटलिपुत्रा थाना के अंतर्गत गोसाई टोला के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बुद्धा कॉलोनी के जो एक SI है, सब इंस्पेक्टर है, चंद्राय मरांडी के नाम से, इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक टेम्पो से टक्कर मार के वो रात में 10:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। वो ड्यूटी से लौट रहा था। एक्सीडेंट होने के बाद उसके पास जो पिस्टल था, जो सर्विस पिस्टल, और उसका मोबाइल जो है वहाँ के कोई लोग जो है चोरी करके लेके चले गए थे, और वो रिकवरी करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो SSP सर के द्वारा इस केस में SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम भी गठित किए थे उसको रिकवर करने के लिए। तो लास्ट 5 मंथ्स 6 मंथ्स में पूरा वर्कआउट किए थे ये लोग, टेक्निकल एनालिसिस कुछ किए थे। उसी के बेसिस में 2 व्यक्तियों को ये लोग अरेस्ट किए हैं। संदीप कुमार नाम से एक लड़का है, उसी एरिया का है, और दूसरा है विनोद कुमार नाम से एक और आदमी है, दोनों उसी एरिया के हैं। वो दोनों क्या किए हैं, वो एक्सीडेंट होने के बाद उसी मोबाइल से, ये जो मोबाइल दिख रहा है, इसी मोबाइल से बुद्धा कॉलोनी थानेदार को इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे आपके ऑफिसर का एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद जब बुद्धा कॉलोनी थानेदार वहाँ पर पहुँचा तो तब तक ये लोग पिस्टल और मोबाइल लेके चोरी करके भाग गए थे। तो ये दोनों व्यक्तियों को अभी अरेस्ट किए हैं, और जो पिस्टल और 7 राउंड गोली जो है वो रिकवर किए हैं, मोबाइल को भी रिकवर किए हैं। दोनों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसी के घर में ये लोग अभी तक रखे थे और पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किए थे इसके बारे में। क्या पिस्टल से कुछ कर रहे थे या करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे क्या कुछ? उन लोगों से पूछताछ की है, अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता था और कुछ महीने अगर टाइम बीत जाता था तो हो सकता तो कुछ भी हो सकता था। काम क्या करते हैं? एक कटाल चलाता है एक आदमी, और दूसरा जो लड़का है संदीप कुमार वो पेंटिंग का काम करता है, पेंटर। गिरफ्तारी पाटलिपुत्रा से ही हुआ है, गोसाई टोला के आसपास ही हुआ है।